आज 31 दिसंबर 2022 है, साल का आखिरी दिन। 12 बजे के बाद 2023 का आगमन होगा, स्वागत होगा। परंतु क्या ये एलधारे का दर्द जो 29 जुलाई 2022 को मिला था वे कब पूरा होगा, 2023 में या 24 में? प्रशासन टीपीआर की बात करता है, प्रशासन एस्टीमेट की बात करता है, प्रशासन कार्य होने की बात करता है, परंतु धरातल में कहीं पर भी कोई कार्य होता हुआ नहीं दिखाई देता है। ये पुराने तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, किस तरह एलधारे में जगह पूरी पूरी फट गई है। ऊपर सामने रुकुम सिंह मिस्ट का मकान है, उसके बगल में डिगर सिंह का मकान है, और बीच में इतनी बड़ी खाई बन गई है, और ये खाई ज्यों की त्यों आज भी बनी हुई है। इसके लिए प्रशासन ने फौरी तौर पे कोई कार्रवाई नहीं की, साथ ही ऊपर के नौगांव का एरिया भी पूरा खतरे में है। आप देखिए किस तरह इसने तबाही मचाई, और ये मल्ली बाजार का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, किस तरह मल्ली बाजार में कीचड़ों में मोटरसाइकिलें जमींदोज हो गई, गाड़ियां जमींदोज हो गई, क्योंकि ये जो सामने का दृश्य है फुलबस्ती को दिखा रहे हैं आपको हम, फुलबस्ती कहीं ना कहीं नुकसान के दायरे में है। साथ ही जो ये एलधारा की सड़क थी, इस सड़क को खोलने का कार्य केवल मात्र प्रशासन ने किया है, और ये सड़क को खोल के वाहनों का आवागमन सुचारू किया है, यातायात सुचारू किया है, जिससे कि लोगों तक खाद्यान्न दवाइयाँ गाँवों तक पहुँच सके। परंतु उसके उपरांत और अन्य कार्य प्रशासन अभी तक नहीं कर पाया है, जैसे कि सड़क खोली गई है, केवल इस सड़क इस तरह खुली हुई है, यातायात आवागमन सुचारू है। साथ ही बता दें कि मल्ली बाजार की वो स्थिति रही है, लोगों के वाहन दब गए, लोगों की दुकानों में मलबा भर गया, लोगों को हर चीज कीचड़ कीचड़ हो चुका था, पानी पानी हो चुका था, परंतु किसी को मुआवजे के नाम में एक थैला अभी तक नहीं मिला। साथ ही प्रशासन मूक दर्शक की भांति लगातार कहता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, परंतु कार्रवाई किस आधार पर हो रही है ये प्रशासन बताने में भी असमर्थ है, क्योंकि शासन में कोई पत्र अगर जाता है सीमांत क्षेत्र का तो कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई बहुत देर पे होती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि 29 जुलाई की घटना के बाद से अभी तक मल्ली बाजार के लोगों को मुआवजे के नाम पे एक रुपया नहीं मिला है, दुकानदारों को मुआवजा नहीं मिला है, और साथ ही जो किराए में मकानों में लोगों को हटाया गया उनको मुआवजा नहीं मिला है। स्थिति ऐसी गंभीर है, देखिए हम आपको पुरानी यादों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम एलधारा अभी तक नहीं बन पाया है, और आप 22 के बाद हम 23 में जाने की तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या 23 में प्रशासन हमारे एलधारा को बना पाता है या सुधार पाता है, क्या स्थिति होती है। बड़ा डिग्गी बना के वो पानी ताकि डिग्गी में आए और टोटे होटे लगा के पानी बंद करने वाला बना, तब वो पानी सही रहेगा, नहीं अंदर ही अंदर रहेगा तो और आपदा आएगा। तो धारा से आप लोगों को क्या फर्क पड़ा इसमें? इसमें अभी क्या कितना आफत आ रहा है पानी बिगर, नलों का पानी का तो कोई भरोसा ही नहीं है, वो तो कभी बाढ़ ले जाता है, कभी नदी बहा देता है पाइपों को, पानी बिगर मुश्किल हो रहा है। इसलिए ये कह रहे हैं कि आप बनेगा तो सही ढंग से बनाना, इससे पहले तो खाली पैसा खा गए, ढंग से बनाया नहीं। मैं तो सही कहूँ जो भी ठेकेदार ने बनाया ये बेमतलब का बना दिया, सोच समझ के बनाना चाहिए पानी का नल, ऐसे ये तुरतरे धारे में बनाते तो ये पानी अंदर अंदर को नहीं जाता, ये आपदा आता नहीं, पानी तो आना ही है, नदी का इतना बाढ़ डालना है, नदी ने तो अपना जगह लेना ही है। कंसल्टेंट हैं, आपने कई आपदा के दौर देखे हैं और आप यहाँ भी आए हैं, आपको बुलाया गया है बीआरओ के द्वारा, तो इसमें आप जो आज एलधारा में देख रहे हैं प्रत्यक्ष में आप दर्शी हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें, क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है और अभी क्या उपाय हो सकते हैं? आई विल से इन फ्यू वर्ड्स ओनली, यू सी दिस इज द पैलियो स्लैग, इट हैज डेवलप्ड एंड पीपल हैज मेड द रिहैबिलिटेशन ओवर देयर, सो दिस इज अ वेरी बिग स्लैग, इट रिक्वायर्ड ए ट्रीटमेंट, होल स्लैग ट्रीटमेंट, बिफोर दैट इट विल नॉट बी स्टेबल परमानेंटली। अभी की स्थिति में क्या, जिस तरह का वो है उसको छेड़ना उचित होगा या क्या रहेगा, क्या करना पड़ेगा? अभी इसको छेड़ने से कोई फायदा नहीं है, लेट इट स्टॉप फॉलिंग एंड एवरीथिंग टू टेक द सेफ्टी ऑफ ऑल थिंग, देन आफ्टर दैट आफ्टर रेन स्टॉप देन वर्क मे बी स्टार्ट। ऐसा हुआ, सबसे पहले प्रशासन ने ये कटवाया, उसके बाद हिलवेज वाले जो है ये रोड नीचे से काटा उन्होंने, मैं कह रहा था ऊपर से काटो, मैंने कहा ऊपर से नीचे बिठा के लाओ, इन्होंने जबरदस्ती जो है नीचे से काट के नीचे से ऐसा बना दिया उसको कि बिल्कुल बहने वाला, और वो आज ढह गया, सारे तीन मकान ढह चुके हैं, बिल्कुल खतरे में है, और हमें कुछ भी अभी खाली जाओ कह रहे टीआरसी में, मैं जाके क्या करूंगा, मेरी प्रॉपर्टी सारी वहां पर है, मैं गरीबी रेखा से नीचे ज्ञापन करता हूँ, इस समय मैं गरीबी रेखा में जीता हूँ और मेरी कंडीशन ये है, मैं खाली भटक रहा हूँ इधर उधर। क्या नाम हुआ आपका? लाल सिंह। मैं अभी चेयरमैन साहब के पास गया, ये उन्होंने वो दे दिया मेरे को, ये अब यहाँ क्या सामान रखे, मैं सड़ाऊँ सामान को, कहाँ डालूँ वो सामान, फिर मैं पटवारी जी के पास मैंने कहा टेंट दो मैं सामान दो बचा लूँ,
उससे भी मुझे वंचित है, तो मैं क्या करूँ? खाली टीआरसी में मैं खाने के लिए मैं भूखा नहीं हूँ, मैं खा लूंगा। कि कितना कीचड़ मलवाया और अभी तक कोई सरकारी कर्मचारी नहीं पहुंचे, क्या कहना चाहोगे? मैं क्या कहते उनसे कहना चाहती हूँ कि क्या कहते हैं यहाँ पहुंचना चाहिए टाइम से क्या कहते हैं सफाई करने के लिए वो पहुंचना चाहिए, और क्या कहते हैं प्रशासन यहाँ एक बार भी नहीं पहुंची है, और ना कोई डीसीपी लगी है ना कोई कुछ लगा है, लेकिन अभी तक ये जैसे के तैसी है। रात भर हम 1 बजे से नीचे दौड़ के ऊपर दौड़ के कर रहे थे, ना कोई वो भी नहीं मिला हमको, मदद भी नहीं मिला। ठीक है ना पटवारी जी, कल रात की जो भीषण बारिश हुई है और 11 बजे से बारिश ने किया है और काफी नुकसान मल्ली बाजार का हुआ है, साथ में और जगह से भी घटनाएं आ रही है, आपने वस्तुस्थिति देखी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए कल रात से लगातार हम मतलब अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं कि जैसे भी हम इन लोगों की मदद कर पाएँ। अब ये प्राकृतिक आपदा है, किसी का कंट्रोल इसमें है नहीं, लेकिन हम जहाँ तक प्रयास है कि हर जितना भी जिस आदमी का नुकसान हुआ है उसका आकलन करके उसकी रिपोर्ट आगे भेजेंगे और जितना आर्थिक सहायता मदद इनको मिल पाए उतना दिलाएंगे। धारचूला में आपदा संघर्ष समिति का भी नया रूप अभी आया है और आपदा संघर्ष समिति ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि 5 जनवरी तक अगर आपने एलदारा में कार्य शुरू नहीं किया तो हम एनएच को जाम करेंगे। देखना कि प्रशासन अब कितना आगे बढ़ता है, क्या प्रशासन डीपीआर सीमेंट से आगे निकल के काम धरातल में कराना शुरू करता है। जिलाधिकारी रीना जोशी ने टीएचडीसी की टीम के साथ संयुक्त वार्ता की, साथ में प्रशासन के नुमाइंदे भी थे, परंतु फिर भी स्थितियां अभी तक धरातल में आई नहीं है। एलदारा के बाद कहे टूटा खोतीला में, और खोतीला के गांववासी बेसहारा होके स्टेडियम धारचूला में पड़े हैं। कई महीनों से ये भी धारचूला में बाढ़ जो रहे हैं कि हमें 1 अदद विस्थापन मिलेगा और हमें कहीं मकान भवन बनाने की, इनका भी कार्य प्रशासन कर रहा है, परंतु कार्य वही है, प्रशासन की सुस्त चाल कहें या फिर शासन के द्वारा अभी तक धनों मुक्त नहीं करना, कहीं ना कहीं आपदा प्रभावितों के साथ भी मजाक है। खोतीला के निवासी आज भी त्रस्त हैं, कोई इनका सुनने वाला नहीं है। प्रशासन आपदा प्रभावित क्या कहते हैं ये भी आपको सुनाते हैं। ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है संघर्ष समिति के लिए, ये एक सीमांत ब्लॉक जिला ब्लॉक है और हम ये चाहते हैं कि हमारा धारचूला बचा रहे और ये प्रभारी के रूप में कार्य करे और जितने भी आपदा प्रभावित पूरे जिले के और गांव के लोग हैं उनको एक बेहतर सरकार इसके ऊपर कार्य करे और तब करे जब पानी अभी है हमारे अंडर कंट्रोल। जी मेरा नाम रेनू बिष्ट है और मैं फुलबस्ती निवासी हूँ। अभी तो सरकार इस मामले में एकदम सोई हुई है, लगता नहीं है कि वो कुछ कार्य करिए। जिस प्रकार से हमने ये समिति बना रखी है, मुझे उम्मीद है कि ये इसमें कुछ कार्य करेंगे और हम कार्य करके ही मानेंगे, हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और आगे बढ़ते जाएंगे। कल रात को मुझे न्यूज़ आई थी कि एक एल्डरली लेडी थी जो अराउंड 65-70 ईयर्स की थी, उनकी डेथ हो चुकी है। मुझे बताया गया कि उनकी तबीयत काफ़ी समय से ख़राब थी, उन्हें शासन द्वारा हेल्प दिला के हम लोग पिथौरागढ़ भी भिजवा चुके थे, चेकिंग भी हो चुकी थी। तो मुझे उनके परिवार में जो बेटे हैं उनके उनसे भी बात हुई थी, तो बताया गया कि उनकी हेल्थ ख़राब होने के कारण और नेचुरल रीज़न से ही उनकी डेथ हुई है और हमारे शासन ने उन्हें जितना भी सपोर्ट देना चाहते थे हमने अपनी तरफ से पूरा दे दिया था उन्हें शाम को ही। एलदारा, खोतीला, उसके बाद धारचूला का गांधी चौक, आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र धारचूला में एक और कांड होता है अग्निकांड, जिसमें 13 परिवार रोड पर आ जाते हैं, 13 दुकानदारों की सारी कमाई, गाड़ी कमाई कहिए, सारी संपत्ति आग लील लेती है और कुछ ही मिनटों में 2022 यानी 22 नवंबर की वो तारीख और साल भी 22 बड़ा घातक सिद्ध होता है और आगजनी लग होके सारे के सारे दुकानदार सड़कों पर आ जाते हैं। प्रशासन एक तरफ दौड़ लगाता है, कोशिश करता है, तो आग भीषण रूप लेते हुए भी 13 दुकानों को ध्वस्त करने के बाद रियाजी क्षेत्र में नहीं फैल पाती है, ये एक बड़ी सफलता रहती है, परंतु स्थितियां बड़ी गंभीर है। क्षेत्र में जनप्रतिनिधि आते हैं, विधायक जी पहुँचते हैं, व्यापार संघ के लोग शामिल होते हैं, परंतु स्थिति जहाँ की त्यहाँ थी वहीं रुकी रहती है और प्रशासनिक नुमाइंदे भी इसमें हम पूरी सहयोग करने की बात कहते हैं, परंतु आज इसको आग लगे भी कम से कम 1 महीना पूरा निकल गया है। 2023 में हम अब कदम रखने जा रहे हैं, परंतु अभी तक ना मुआवजे की बात हुई है, नहीं प्रशासन इनकी तरफ ध्यान दे रहा है, ये भी एक सोचने विषय है। प्रशासन के पटवारी कहते हैं कि हम पूरी सहायता करेंगे, परंतु पटवारी जब लिस्ट बनाते हैं तो उस वक्त सहायता करने में असमर्थ नजर आते हैं। कहना और कागज़ में कुछ करना बड़ा
पेचीदा मामला है। प्रशासन इन्हीं मामलों में उलझा रहता है और पीड़ित रहता है जब तक कि दोबारा आपदा ना आ जाए। 1:30 बजे की ये घटना है। कल रात्रि 1:30 बजे की बात कही गई है कि शाम को अचानक एक दुकान से आग लगना शुरू हुई और लगते लगते पूरी दुकानों को आग ने घेर लिया था। हमारी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी वो यहाँ मौके पर पहुँची और जैसे जैसे जो है कि हमारा आर्मी की फायर ब्रिगेड भी थी और हमारा दूसरे जो पुलिस की फायर ब्रिगेड रहती वो भी हमारे यहाँ पे मौजूद रही और प्रशासन राजस्व और SDM साहब भी यहाँ पे मौके में मौजूद रहे और क्या कहते हैं जैसे तैसे जो है कि इसको आग को काबू पाया गया। और मतलब हमारे मेन कोशिश ये थी कि यार ये इस आग को जो कि आगे ना फैलने दिया जाए। अगर थोड़ा सा भी ये आग आगे रिहायशी इलाके में अगर पहुँचती तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इस मतलब आग जनी में फिलहाल तो मतलब जनहानि और पशुहानि कुछ नहीं है, लेकिन दुकानदार हमारे जो 14 दुकान है वो पूर्णतया नष्ट हो चुकी हैं और दुकानदारों से हमारा यही अनुरोध है कि पूरा प्रशासन आपके साथ में है, आप लोग घबराए नहीं और जितना सहयोग प्रशासन आपका जितना भी होगा पूरा प्रशासन सहयोग करेगा और आपको घबराने की जरूरत नहीं है इस बात में। बहुत ही दुखद घटना है कि जो 15-16 जो यहाँ पे व्यापारी इन पे अपने आजीविका चलाते थे और मुझे जो ज्ञात हुआ है कि किसी का इंश्योरेंस भी नहीं और ये बहुत दुखद घटना है। अभी देखिए जैन मजिस्ट्रेट के साथ बैठ के इसमें वार्ता करते हैं और सरकार से भी अपील करेंगे कि भाई सीमांत क्षेत्र में जिस तरह से नुकसान हुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमा में किसी न किसी तरह से सरकार इसकी भरपाई करे, उनको जो है राहत दे, यही हम उनसे सरकार से मांग कर जो अभी मुझे खबर आई है 14-15 सुनने में आया है। बढ़ भी सकती है घट भी सकती है संख्या, एग्जैक्ट जो है कोई उसका जो है आकलन नहीं है, लेकिन अभी प्रशासन के साथ बैठते हैं इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है इसमें वार्ता करेंगे। और क्योंकि ये पहाड़ का क्षेत्र है, पहाड़ों में कई जो है समस्याएं आती, हो सकता है दुकान किसी के नाम से आउंटन हो और कोई और जो है उसको व्यवसाय कर रहा हो, तो उसके लिए भी हमको उस पहल के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, सरकार से बात करनी पड़ेगी कि भाई पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से इन लोगों को जो है आगे जीवन यापन करने के लिए राहत दे, ये हम सरकार से मांग। रात को अराउंड 1:45 के आसपास हमें सूचना मिली थी कि वहाँ आग लगी है, तो अभी फिलहाल आज मॉर्निंग में हमने एक जॉइंट टीम गठित कर ली है जिसमें तहसीलदार रहेंगे, जिसमें ईओ के रहेंगे रिप्रेजेंटेटिव एंड बिजली विभाग के भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। जो हमें वहाँ पे हुई डैमेज और उसकी पूरी वैल्यूएशन की एक रिपोर्ट सबमिट कर देंगे और हम एक और जांच भी कर रहे हैं कि किस कारण से आग लगी, जिसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी टीम को भी हमने बता दिया है। तो ये रिपोर्ट्स हमें आते ही हम इस पर फिलहाल जैसे ही हमारे पास वैल्यूएशन आ जाएगी तो हम उसे अपने यहाँ से DM मैडम की तरफ कलेक्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देंगे। सर कितनी दुकानें जो यहाँ मिशन है? 14 दुकानें हैं जो आग से डैमेज हो चुकी है। 2022 का समापन है, 2023 का आगमन है, देखना है कि क्या एल्डारा का काम होगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब DCL News।